नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, मैं बख्शी नगर से हूँ। तो मैं सर्वाइकल का इलाज करता हूँ। सर्वाइकल के अलावा जो भी कोई पैर में परेशानी, हाथ में परेशानी, उंगली सुनना कोई काम नहीं कर रही, उसका मैं इलाज करता हूँ। जैसे कोई कान ख़राब है उसका भी इलाज करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे दादाजी हैं, इन्हों की बदौलत ही आज मैं ये सेवा को कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मैंने ठीक किए हैं और इतने लोग ठीक किए हैं कि अभी तो गिनती में नहीं आते कई बार तो याद। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये कारपोरेटर गौरव जी है, इन्हों के भी घुटने में परेशानी थी कोई, पिछले दिनों इनको मौका मिला, चलो इन्हों को भी ठीक हुआ। इनका भाई सनी चोपड़ा जी है, वो भी उनको भी मैंने ठीक किया। तो उसके बाद ये दीदी है, ये जिम है जो बख्शी नगर में, उसके ऊपर रहते हैं। और इनका ससुर जी को सर्वाइकल थी और इनको भी अभी ये भी ठीक है। ये आंटी है, ये भी जिम के पास ही रहते हैं, आपको पहचान होगी। इन्हों की पैर की उंगली काम नहीं करती थी, बिल्कुल सुन्न थी, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको भी हमने चला दिया। और बाकी काफ़ी सारे नाम है डायरी में लिखे हैं, जिनको हम लेते रहे तो शायद काफ़ी समय हो जाए, तो चलो हम इतना समय नहीं लेते हुए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपको कोई भी कभी परेशानी होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम? मेरा नाम है शंकरा जी। तो जैसे कि आपके पीछे अर्जुन जी खड़े हैं, तो ये सर्वाइकल का इलाज करते हैं और आपने भी इनसे इलाज करवाया है? पहले स्टार्टिंग जब मेरे को हुई ना तकलीफ सर्वाइकल की जी, मैं हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता था ये इलाज करते हैं या नहीं करते। तो मैंने डॉक्टर अब्दुल गनी को बताया, उन्होंने एक्सरे वक्सरे कराया, दवाई दवी दी लिख के, तो मैं बाजार से दवाई ली कम, क्योंकि मैं दवाई इतनी खा नहीं सकती। उन्होंने दर्द वाली दवाई दी, जो चक्कर वाली दवाई दी, ताकती वाली दी, मैं थोड़ी सी दवाई ली, पता लिया मैं जाना ले गई कुड़ी गाई गई। तो उसके बाद मैं आ गई घर, तो फिर ये लड़का बेचारा ऐसे ही हमारी दुकान पे आया, लेकिन मैं बोला भाई मैं मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तकलीफ हो गई। कहना आंटी मैं आपको मलता हूँ, स्पाइकल का इलाज करता हूँ, आपको बताता हूँ। इन्होंने एक ही मेरी मालिश की, उससे मुझे फर्क पड़ा जी। तो अभी आप दवाई वगैरह ले रहे हैं? मैंने ली उसी वक्त, एक पत्ता ही रखा था, मैं वो भी नहीं खाया। तो मतलब आप जैसे इन्होंने सर्वाइकल की वो जो मालिश की है, तो उसी के साथ ही आप ठीक हो? मैं ठीक हूं। तो कितनी देर हो गई अभी आपको? ये 3-4 महीने हो गए। तो 3-4 महीने से आपको कुछ भी नहीं हुआ? मुझे नहीं हुई जी, मुझे बहुत चक्कर आते थे, मैं छत पे नहीं जा सकती थी, इतने चक्कर। मेरी सबसे ज़्यादा मदद करने वाली यही है जी, इन्हों की वजह से आज कितने पेशेंट ठीक हुए, जो इन्हों की वजह से पहला नंबर इन्हों का है, ये मेरे उस्ताद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं जी। मेरा नाम वीना जी। वीना जी, तो वीना जी आप हमें बताएं कि आपके साथ अर्जुन जी भी बैठे हैं जी, और जे एक मसाज करते हैं जी, तो आपने भी इनसे मसाज करवाई है, तो आप हमें बताएं कि जब से आपने मसाज करवाई है तो आपको कैसा लग रहा है, और आपके जो पाँव में दर्द था अब कैसा है? मेरे पाँव में बड़ी प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग थी जी, मैंने किसी डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया था लेकिन ठीक नहीं हुई जी जी। मैंने इसे अर्जुन को घर में बुलाया, इसने पाँव की मसाज की जी जी, और 2-3 दिन की बिल्कुल ठीक हो गई जी। तो आप तो आप हॉस्पिटल में नर्स हो, तो आपको वहाँ भी आप चेक करवा सकते थे, आप तो आपने वहाँ चेक करवाया था कभी? नहीं, मैं ऐसे मैंने मेडिसिन काफी खाई थी, दिखाया था किसी डॉक्टर को, लेकिन उससे फर्क ही नहीं लगा, स्वेलिंग नहीं उतरती थी जी जी। फिर मैंने इसी को बुलाया, इसीलिए मुझे पता चला, फिर मैंने इसको बुलाया घर में जी, इसने फिर मेरे पाँव में मसाज की, उससे स्वेलिंग भी उतर गई और पाँव भी ठीक हो गया जी जी। नमस्ते जी। आपको सर्वाइकल थी पिछले 7-8 साल से, तो हमारे अर्जुन जी से आपने मसाज करवाई, तो आपकी सर्वाइकल आप बताएं कि आपको अभी कैसा लग रहा है, जो इन्होंने मसाज की है तो ठीक है कि नहीं ठीक? हाँ जी भैया, मैंने काफ़ी देर दी है जी, मेरा मन खराब होता ही, मैं बड़ी परेशान जी, इस चक्कर से मेरा मन करता है कि मैं मर जावा तो अच्छी गल है जी, क्योंकि मेरे को काम भी नहीं होता, तो मैं काम भी करना, घर का भी नौकरी भी करनी ही, तो मैं इन्नी परेशान ही कि मैं ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। नमस्कार जी, आज जो आपके साथ साइड में जो खड़े हैं, आप इनको जानते हैं? जी जी, क्या करते जी? एक्वाप्रेशर का जी। तो जो जो ये जो मालिश वगैरह जो करते हैं, आपको फर्क है अब? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा पहले से। तो आप, इन्होंने बताया कि आपके घर पे दो तीन जो पेशेंट थे, बेटे को भी थी थोड़ी प्रॉब्लम, बेटी को भी थी, उनको थोड़ा फर्क पड़ गया जी। मेरी काफी पुरानी है तो मेरा थोड़ा अभी है, बीच में एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूं, उनको फर्क पड़ गया जी। तो जैसे ये मालिच कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जब ये मालिच करते हैं, तो आपसे कोई चार्ज कर रहे हैं जी? चार्ज तो लिया, फिर भी कितना चार्ज कर रहे हैं? 200। हाँ, 200 पे जो है बिल्कुल एक नॉर्मल है। तो आप पठानकोट भी जाते थे तो वहाँ पे आपका 4,000-5,000 रुपया खर्चा आता होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो भी 200 ही लेता था। देखिए 200 ठीक है, 200 लेता है वो, तो उसमें आप जैसे आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो 3,000 तो गाड़ी लगता है गाड़ी का ही। तो आपको जो ये जो जाम पर अर्जुन जी है, तो इनका जो इनका ऑफिस होना चाहिए जाम पर? हाँ होना चाहिए इनको, चलो इनको पॉइंट्स का पता है, ये कर सकते हैं जी। तो ऐसे बढ़ावा मिलेगा तो ये करेंगे आगे जी जी, इससे तो पॉइंट, इनको पॉइंट्स का तो पहचान है, ये जी, बात जी, तो है जी। इनको पता कौन से सर्वाइकल वाले पॉइंट्स है दुकाने हैं। तो ये होता है कि अब हम लेडीज हैं, हमारी एज भी होगी हुई है, तो उस हिसाब से बड़ा पुराना है तो थोड़ा टाइम लगता है जी। बच्चों को थी थोड़ी सी सर्वाइकल गर्दन में, उनको फर्क है अब बिल्कुल, वो ठीक है। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं जी जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू।